नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विश्व कप 2019 का आठवां मुकाबला साउथहैम्पटन के द रोज बाउल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले को अपने शानदार प्रदर्शन के चलते भारत की टीम ने 6 विकेट के अंतर से जीत लिया और इस मैच को जीतने के साथ ही भारत की टीम ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। वहीं साउथ अफ्रीका की ये लगातार तीसरी हार है। इस मैच का टॉस साउथ अफ्रीका की टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज महज 24 रन तक आउट हो चुके थे। इसके बाद भी भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के आगे साउथ अफ्रीका की टीम संभल नहीं पाई और उसके 7 विकेट महज 158 रन पर गिर गए थे। लेकिन 8वें विकेट के लिए क्रिस मॉरिस व खगिसो रबाडा ने अपनी टीम के लिए 66 रनों की एक शानदार साझेदारी की थी। इस साझेदारी के दम पर साउथ अफ्रीका की टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 227 रन ही बना पाई। साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा 34 गेंदों पर 42 रन की पारी क्रिस मॉरिस ने खेली। वहीं टीम के लिए 54 गेंदों पर 38 रन का योगदान कप्तान फाफ डु प्लेसी ने दिया। भारत के लिए युजवेंद्र चहल ने जहां अपने कोटे के 10 ओवर में 51 रन देकर कुल 4 विकेट हासिल किए, वहीं जसप्रीत बुमराह ने अपने कोटे के 10 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बहुत खराब रही। ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन टीम के मात्र 13 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे। इसके बाद कप्तान विराट कोहली भी टीम के 54 रन के स्कोर तक आउट हो गए थे। इसके बाद तीसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 85 रन की एक शानदार साझेदारी की और भारतीय टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था। इसके बाद धोनी और रोहित की 72 रनों की साझेदारी के दम पर भारतीय टीम ने 228 रन के लक्ष्य को 47.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के लिए रोहित शर्मा ने जहां सबसे ज्यादा 144 गेंदों पर 122 रन की नाबाद पारी खेली, वहीं टीम के लिए एमएस धोनी ने भी 46 गेंदों पर 34 रन का योगदान दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और क्रिकेट जगत की हर ताजा खबर के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।